भाई जो है विजय जी आज स्पेशली आए हैं दिल्ली तुगलकाबाद से साइकिल पे। दोस्तों मैं तुगलकाबाद से आया हूँ और मैं सर की वीडियो 6 महीने से देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के। सबसे अच्छा उनका तरीका है कि समझाने का, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सर। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से मुझे सप्लीमेंट लिया जाए, तो फिर मैं वहाँ से आया। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से आने में? साइकिल से आया हूँ, 3 घंटे लग गए मुझे। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपको काफ़ी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं विजय जी। और दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है सप्लीमेंट विला पर। वैसे तो आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं लॉकडाउन से पहले भी प्यार देने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट लेने आते हैं, मैं कहूँगा कि आप प्यार देने आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं। पर भाई जो हैं विजय जी आज स्पेशली आए हैं दिल्ली तुगलकाबाद से साइकिल पे। दोस्तों साइकिल पे भाई आए हैं और 3 घंटे भाई को लगे हैं यहाँ पर आने में। मेरा दिल बेहद खुश हो गया है मैंने कि यार भाई, मतलब देखो वैसे तो दोस्तों मैंने भाई से बोला भी, मैंने कि यार भाई देखो आप कोरियर करा सकते थे, इतनी दूर क्यों आए हैं आप, आने की जरूरत नहीं थी। पर भाई बोले नहीं भैया आपसे मिलना था तो इसलिए जो है आए हैं। भाई को थोड़ा वेट भी करना पड़ा, उसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी चाहूँगा भाई से। और भाई को अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करा दिया है। अब भाई जो है दिल्ली से आए हैं। और भाई कहाँ से आए दिल्ली में? तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आया हूँ मैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आए हैं और भाई का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं इतना प्यार देखकर भाई का। तो भाई से जानते हैं भाई कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है और क्या इन्होंने लिया है, सारी चीज़ें हम जो है विजय जी से ही जानते हैं। विजय जी मैं तुगलकाबाद से आया हूँ और मैं सर की वीडियो 6 महीने से देख रहा था जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के। सबसे अच्छा उनका तरीका है कि समझाने का, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सर। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ से मुझे सप्लीमेंट लिया जाए, तो फिर मैं वहाँ से आया। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से आने में? साइकिल से आया हूँ, 3 घंटे लग गए मुझे। 3 घंटे 3 घंटे मुझे लग गए आने में। तो दोस्तों भाई देख आपको बता रहे हैं कि 3 घंटे लग गए। अच्छा एक चीज़ और भाई से मैं जो है ना भाई का आधार कार्ड जरूर देखना चाहूँगा। और काफ़ी लोग जो है कमेंट करते भी हैं कि यार इनके अपने आदमी होते हैं। सबसे पहले विजय मतलब ऐसा तो नहीं है आपने मैंने आप ज़बरदस्ती बैठा ली है? नहीं सर मैं आया हूँ तुगलकाबाद से, तो आया हूँ, किसी को ऐसे कैसे लग सकता है। तो आप या भाई का आधार कार्ड आप देख रहे हैं, ये रहा आधार कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, पीछे इनका जो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है तुगलकाबाद एक्सटेंशन कालका जी दक्षिण दिल्ली। तो इतनी दूर से भाई स्पेशली आए हैं, इतना प्यार लेके मैं बेहद खुश हूँ। विजय जी से अब हम जानते हैं भाई ने क्या लिया है, क्यों लिया है, क्या कारण है उसे लेने का जो सप्लीमेंट इन्होंने लिया है। तो विजय जी क्या लिया है आपने? मैंने GNC का वेट गेनर लिया है। दिखाइए जरा, ये लिया है मैंने अपने वेट बढ़ाने के लिए जी का वेट गेनर। तो दोस्तों भाई ने लिया है GNC वेट गेनर। विजय कितना वेट है तुम्हारा? मेरा है वही करीब 47 किलो। इनका 47 किलो वेट है और GNC प्रो परफॉर्मेंस वेट गेनर इन्हें लिया है, क्योंकि दोस्तों इनको अपना वजन बढ़ाना है तो इसलिए वेट गेनर GNC का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। और ना सिर्फ ये वजन बढ़ाएगा, मसल साइज़ में भी जो है इनकी गेनिंग कराएगा। और इसके साथ आपने विजय जी दूसरी चीज़ क्या ली है? जी और दूसरी चीज़ ली है भाई ने लबराडा क्रेटीन। दोस्तों क्रेटीन भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है गेनिंग में, बॉडी में ATP सप्लाई करेगा, इनकी लिफ्टिंग पावर इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी और इनको मसल बिल्डिंग में भी हेल्प मिलेगी। क्रेटीन सबसे अच्छा सबसे सस्ता सप्लीमेंट है गेनिंग के लिए। और यहाँ पर GNC प्रो परफॉर्मेंस वेट गेनर इन्होंने लिया है। दोस्तों अगर आपकी बॉडी भी स्किनी है विजय जी जैसी और आप भी जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप लीजिए GNC वेट गेनर। और दोस्तों विजय जी से मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो हैं वेट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इतनी लंबी लंबी साइकिलिंग ना करें, इतनी लंबी साइकिलिंग करेंगे तो वेट इंक्रीज नहीं होगा विजय। अच्छा इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ साइकिलिंग अगर आप इतनी लंबी करेंगे तो वेट इंक्रीज नहीं होगा। तो भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई को जो है लिफ्टिंग पावर जो है इंक्रीज करने के लिए क्रिएटिन और वेट बढ़ाने के लिए GNC प्रो परफॉर्मेंस वेट गेनर। यहाँ पर अगर हम जो है सप्लीमेंट फैक्स पर नजर डालें दोस्तों, यहाँ पर सर्विंग साइज है 3 हीप स्कूप का, मतलब 485 ग्राम टोटल सर्विंग है इसमें 485 ग्राम में एनर्जी 1872 मिलेंगी, टोटल फैट 8 ग्राम। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा 400 ग्राम, एडिड शुगर है सुक्रोज 0 ग्राम, प्रोटीन यहाँ पर है 50 ग्राम, यहाँ पर विटामिन A, D2, विटामिन E, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम भी मिल रहा है।
तो ये कंप्लीट मील हो गई है वेट इंक्रीज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल मिला है इनको नहीं मिला, इतनी दूर से भाई आए भी और पता लगा ओरिजिनल भी नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ओरिजिनल और फेक में देखनी है वो है कि GNC के ऊपर यहाँ पर जो है एक ट्रेडमार्क दिया हुआ है, ये बार कोड जिसे कहते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, GNC के ऊपर इंपोर्टर टैग नहीं आता। उसका कारण है क्योंकि GNC जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होती है, मतलब बाहर GNC नहीं बनता, इंडिया में ही बनता है। तो इसलिए इंडिया में जो GNC का जो प्लांट है जहाँ पर ये गेनर बन रहा है वहाँ पर जो है टैग वगैरह नहीं होता है। बट आपको उसके बाद भी इनका जो FSSL लाइसेंस नंबर वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी है। और दूसरी चीज़ है GST का बिल जो कि भाई को मिला है, ये रहा GST बिल। दोस्तों ये आपको बहुत ज़रूरी है लेना क्योंकि इसके बिना ओरिजिनल सप्लीमेंट नहीं मिल सकते। अब नो डाउट इसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स ज़रूर पे किया है भाई ने, मैं विजय जी से जानता हूँ। विजय जी आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? मतलब जैसे फेक माफिया कहता है कि यार एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने, इसको बचा लो आप, कुछ और सप्लीमेंट ले लो, तो कुछ फ़र्क पड़ा आपके ऊपर? इतनी दूर से आप आ भी गए साइकिल पे और उसके बाद भी आपने टैक्स पे कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ओरिजिनल चीज़ मिली है तो उस पर अगर टैक्स लगाए तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी टैक्स देने में। ओरिजिनल चीज़ में अगर टैक्स होता है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो दोस्तों भाई ने यहाँ पर बता दिया आपको कि ओरिजिनल अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो टैक्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रियलिटी बात है ये। भाई देखो इतनी दूर से परेशान भी हुए और उसके बाद भी जो है इतना दिल खोल के कह रहे हैं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामान जो है ओरिजिनल मिलना चाहिए। और दोस्तों फेक माफिया जो है ना आपको टैक्स के सबसे बड़ा लालच जो होता है उसका यही होता है कि यार आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हैं, 18% GST लग जाएगा, टैक्स के देने पड़ जाएंगे पैसे, इस पैसे को सेव कर लो। तो दोस्तों लालच में बिल्कुल नहीं आना है, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेना है विद GST बिल। और अगर आप भी गेनिंग करना चाहते हैं तो GNC का प्रो परफॉर्मेंस वेट गेनर और एक लबराडा क्रेडिन आपके लिए दी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। दोस्तों दोनों ही ओरिजिनल मिलेंगे आपको सप्लीमेंट मिला पर। भाई इतनी दूर से आए उसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए। और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगली बार जो है इतना परेशान ना हो, अपना जो है वहीं पर रहकर जो है मंगा सकते हैं, कोरियर सर्विस हमारी अवेलेबल है। दोस्तों भाई ने वीडियो बनवाई और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है विजय जी आपका बहुत बहुत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।